Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu everybody. Let's experience the education. So in this video, we will go through four more properties. First one is line height. Second one is g-index. Third one is filter. And fourth one is overflow. So let's begin with our first property, that is the line height. Line height basically increase the height of a line. So what it means? If we click on the live preview, so as you can see, this is our website which we have made a project. So if आप ये चाहते हो कि ये जो दो line हैं इनके बीच के distance बढ़ जाए, तो आप उसके लिए क्या use कर सकते हो? उसके लिए आप use कर सकते हो line height. अब हमने इसको paragraph में लिखा हुआ है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे line height, यहाँ पे normal होता है, this is normal. उसके बाद आप यहाँ पे 10 pixel कर सकते हो. देखो हमने लाइन हाइट को डिक्रीज़ कर दिया, तो ये बहुत ही ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे में. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, सो एज यू कैन सी द लाइन हाइट हैज़ बीन इंक्रीज. सो लाइन हाइट इंक्रीजेस द लाइन ऑफ अ हाइट. अगर आप चाहते हो कि थोड़ा इंक्रीज हो तो आप 40 कर लो, नहीं तो 25 इज़ द गुड वन दैट यू कैन चूज. द 28 आई कैन से 30, यू कैन चूज 30 एज वेल. आई होप दिस इज़ क्लियर. लाइन हाइट इंक्रीज द लाइन ऑफ अ हाइट. The second one is g-index. G-index basically give you the order of a stack. So what it means, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे ये मैंने एक footer इमेज बनाई हुई है. अगर हम लोग इसको जाएँ और देखें यहाँ पे ये हमारा इमेज आ रहा है. So let's apply some property on an image. So I have applied some of the properties. As you can see, I have applied height and width. I have applied the border. And here I have given some content. So I have given the white color here. ओके सो लेट्स मूव नाउ. अब जी इंडेक्स का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे जिसको पोजीशन दे दूँ मैं एब्सोल्यूट और लेफ्ट राइट से 0 दे दूँ, और मैं यहाँ पे जी इंडेक्स दे दूँ 1, ओपेसिटी 0.3, और जो इमेज की जो पोजीशन है उसको रिलेटिव दिया हुआ है और हाइट को 250 दिया हुआ है. ओके अब आप देखो क्या है. अभी क्या है कि मैंने इमेज को पहले दिया, इमेज को मैंने लिखा, उसके बाद मैंने H2 को लिखा, H1 को लिखा, जो लास्ट में लिखा है वो इमेज के ऊपर है. ओके मान लीजिए कि हमने इस कंटेंट को काटा और यहाँ पे लिखा, अब क्या है, अब हमारी इमेज आगे है. अगर मैं इसको रिक्रीज कर दूँ तो अब देखो कि इमेज आगे है, तो मतलब जो बाद में लिखा है वो पहले आ जाता है. और मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो पहले आ जाए और जो मेरा ये जो मेरी इमेज है ये पीछे चली जाए. तो मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे दे दूँगा जी इंडेक्स -1. इसका मतलब क्या है कि इसके पास कोई इसके पास भी कुछ जी इंडेक्स हो है इस इन दोनों कंटेंट के पास, पर उनका इंडेक्स माइनस में नहीं होता. जी इंडेक्स इज़ नॉट इन माइनस, बट वेन आई वॉन्ट कि मेरा जो इमेज है वो पीछे चली जाए तो उसके लिए हम माइनस दे देते हैं, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट जी इंडेक्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. मान लीजिए उसकी पॉजिटिव वैल्यू है 1, हमने यहाँ पे -1 दे दी. इसका मतलब क्या है कि अब मेरा जो इमेज है वो पीछे चला जाएगा, जो मेरा कंटेंट है वो उसके सामने आ जाएगा. और हम लोगों ने ओपेसिटी भी पढ़ी थी इन द लास्ट वीडियो, सो आई हैव गिवन द ओपेसिटी. सो राइट नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक दिस. So if I delete it, so it is about hi, this is my article and this is image. So इसका मैंने ये क्यों बोला कि this arrange the this gives you the order of the stack. इसका मतलब क्या है कि एक स्टैक में पहले हमारा क्या पुश हुआ, पहले स्टैक में हमारा पुश हुआ H2, फिर पुश हुआ B, फिर पुश हुआ इमेज. तो इमेज टॉप पे है, तो जो टॉप पे है वो पहले दिखाई देगा, बाकी सारा कंटेंट उसके पीछे चला जाएगा. लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारा कंटेंट आगे आ जाए और जो लास्ट में इंसर्ट किया है वो पीछे चला जाए, या फिर कोई भी ऑर्डर आप चाहते हो. आपने 5 चीज़ें लिखी और आप चाहते हो कि जो 6 का जो है वो सबसे पहले आ जाए और जो फर्स्ट है वो सबसे पीछे चला जाए, आप कुछ भी चाहते हो, तो आप जी इंडेक्स ले सकते हो. वो चीज़ों को आगे और पीछे ले जा सकता है. सो थर्ड प्रॉपर्टी आती है फिल्टर. सो फिल्टर का मतलब कि फिल्टर यहाँ पर बहुत सारे होते हैं. हम लोग ब्राइटनेस पढ़ेंगे, ब्लर पढ़ेंगे, इन्वर्ट पढ़ेंगे, ओपेसिटी पढ़ेंगे, सैचुरेशन भी होता है, मैनी मोर होता है, वो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो. तो हम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं इमेज पे, तो चलिए फिल्टर अप्लाई करते हैं इमेज पे. तो मैंने यहाँ पर लिखा फिल्टर, फिर मैंने लिखा यहाँ पे ब्राइटनेस.
अब ब्राइटनेस क्या होती है, ब्राइटनेस की वैल्यू होती है 0 से लेके 100 तक। 0 का मतलब क्या है, कंप्लीट ब्लैक। एज यू कैन सी, इफ आई विल गिव द 0 देन इट इज कम्प्लीटली ब्लैक, इफ आई विल गिव यू 100 देन इट इज ऑन इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट इज द इमेज इज सेम, द इमेज हैज नॉट बीन चेंज, बट इफ आई गिव यू द 190 देन इट विल लुक लाइक समवॉट ब्राइटर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। तो ये आप देख सकते हो कि आपको इमेज कैसी चाहिए। सेकेंड मेरे पास ब्लर है, ब्लर में हम लोग क्या देते हैं, ब्लर में ब्लर डज नॉट टेक एनी परसेंटेज, इट विल टेक इन पिक्सल। सो मैंने दिया 10 पिक्सल ब्लर, 10 पिक्सल। एज यू कैन सी द इमेज हैज़ बिन ब्लर्ड, इफ आई विल गिव यू द 3, 4, सो इट हैज़ बिन समवॉट ब्लर्ड। तो उसकी वैल्यू आप दे सकते हो, आपने यहाँ पे 100 पिक्सल दे दी तो ये कम्प्लीट, तो ये बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। आप यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू नहीं दे सकते, इट विल नॉट टेक। सेकेंड है इन्वर्ट, इन्वर्ट इट विल सिंपली इन्वर्ट इन्वर्ट योर इमेज। सो अगर आप देख रहे हो पहले क्या था, पर्पल था, नाउ इट हैज़ बिन चेंज। सो अगर आप 0 देते हो तो इसका मतलब क्या है, द इमेज हैज़ नॉट बिन चेंज। इफ़ यू गिव यू सम वॉट बिगर वैल्यू, सो द कलर ऑफ द इमेज विल बी चेंज, सो इट विल इन्वर्ट योर इमेज, इट विल इन्वर्ट द थिंग विच यू हैव गिवेन। आप यहाँ पर ओपेसिटी पढ़ लो, अगर आपने ओपेसिटी यहाँ पे लिखी हुई है और ओपेसिटी आपकी जाती है 0 से 100%, तो आपने 0 का मतलब क्या है, आप जितनी ज़्यादा वैल्यू दे दोगे उतना ज़्यादा इमेज क्लियर होगी, मतलब 100% मीन्स इट इज़ ओपीक्यू नॉट ट्रांसपेरेंट। बट इफ़ यू विल गिव यू 50%, सो एज यू कैन सी 50%, सो द इमेज इज समवॉट विजिबल। सो आप इस जगह से ओपेसिटी को रिमूव कर दो। अगर आपने 100% दिया सो ऑन 1000 इट इज़ कम्प्लीटली विजिबल, ऑन 100 इट इज़ कम्प्लीटली विजिबल, बट फॉर 20 इट इज़ समवॉट विजिबल। तो आप जितनी वैल्यू कम दोगे इमेज उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 में इमेज प्रॉपरली विजिबल होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आप 0.1, 0.2, 0.3, जैसे आप 1 से नीचे जाते जाओगे इमेज की ओपेसिटी बढ़ती जाएगी। सेम एज यहाँ पर भी, आप 100% दोगे तो इमेज चेंज नहीं होगी, जैसे आप उसके पीछे आते जाओगे तो इमेज की इमेज हमारी ट्रांसपेरेंट बनती जाएगी। आई होप ऑल वी हैव लर्न अबाउट, अच्छा वी हैव लर्न द 3 प्रॉपर्टीज, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ओवरफ्लो एज वेल। सो ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है और हमने कंटेनर की हाइट दे दी, मैंने दे दी 100 पिक्सल, सो लेट्स इंक्रीज दैट 6, 7, 8 पिक्सल। सो अभी आप देख लो कि जो हमारे कंटेंट है वो हमारा इस कंटेनर से बाहर जा रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। सो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि जो हमारा ओवरफ्लो है वो हिडन हो जाए। तो अब क्या है, जितना भी इसके बाहर जा रहा था वो सारा गायब हो गया। आप चाहते हो विजिबल रहे तो आप विजिबल लिख दो, सारा विजिबल रहेगा। आप चाहते हो कि जो हमारा कंटेंट है वो गायब ना हो। तो अब देखो, अब आपके पास एक स्क्रॉल बार आ गया है, आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को आप स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन ये आपके पास हॉरिजेंटली भी आ रहा है, वर्टिकली भी आ रहा है, लेकिन आप ये चाहते हो कि जहाँ पे नीड हो वहाँ पे स्क्रॉल हो, ना कि वहाँ पे भी हमें बार मिल जाए जहाँ पे हमें चाहिए भी नहीं। तो आप लिख दें यहाँ पे ऑटो। ऑटो का मतलब क्या है, देखिए हॉरिजेंटली नहीं मिला क्योंकि हॉरिजेंटल में हमारा कंटेंट ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, केवल वर्टिकल में मिला। ओके, लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा कंटेंट किस डायरेक्शन में ओवरफ्लो करेगा तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, आप दे सकते हो ओवरफ्लो एक्स, एक्स में आपको पता है कि ओवरफ्लो करेगा तो आप यहाँ पे स्क्रॉल दे दो। तो अब आपके पास, और आपको ये पता है कि ओवरफ्लो वाई डायरेक्शन में नहीं करेगा, तो आप क्या करो, तो आप यहाँ पे दे दो हिडन। तो अब आप देखो आपका केवल स्क्रॉल बार केवल एक्स में मिल रहा है, आपको पता है कि मेरा एक्स में नहीं करेगा वाई में करेगा, तो अब आपको वाई में मिल जाएगा। अगर आपको पता है कि इस डायरेक्शन में करेगा तो ये आप यूज़ कर लो, अगर नहीं पता है तो ऑटो यूज़ कर लो। आप चाहते हो कि नहीं कोई भी हमारा ओरिजिनली और वर्टिकल स्क्रॉल बार ना लगे तो आप हिडन यूज़ कर लो, और आप चाहते हो कि कंटेंट ओवरफ्लो हो जाए हमें उसमें मतलब नहीं है तो आप विजिबल कर लो, विजिबल इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आई होप ऑल द प्रॉपर्टीज हैज़ बीन क्लियर। बाय बाय गाइस, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।